सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। जो चीजें आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। प्रॉब्लम पर फोकस करोगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, गोल पर फोकस करोगे तो प्रॉब्लम दिखना बंद हो जाएगा। आज का पंचांग 20 मार्च 2023 दिन सोमवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, रात्रि 1:45 तक रहेगी। इसके उपरांत अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। शतभिषा नामक नक्षत्र शाम 7:40 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:57 से 9:27 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:02 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। तुला राशि 20 मार्च 2023 दिन सोमवार, अनावश्यक ऋण और धोखाधड़ी भरे सौदे से बचने के लिए कानूनी मामलों या खरीद पर ध्यान दें। अपनी चिंताओं के बारे में बताने के लिए समय निकालें। छोटे दुर्घटना से अस्थायी बाधाएं उत्पन्न होगी। कड़ी मेहनत करना जारी रखें और कठिन समय भी गुजर जाएगा। अचानक मूवी देखने, कोई खेल खेलने या घूमने का कार्यक्रम बन सकता है। यह एक भावनापूर्ण चरण है जिसमें आपका आत्मविश्वास आपको सफलता दिलाएगा। अगर आपके साथ बुरा होता है तो आपके पास 3 विकल्प हैं। ये तो आप अपने आप को परिभाषित होने दें या बर्बाद होने दें या पहले से अधिक मजबूत हो जाएं। आज सब कुछ आपके मनचाहे तरीके से होगा और आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। आप पुराने नुकसान की भरपाई भी कर लेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप अपनी भावनाओं के प्रति अधिक आशावादी भी हो सकते हैं। किसी भी अवसर के बारे में गहराई से सोचे बिना जोखिम न उठाएं। असावधान रहेंगे तो किसी से मुठभेड़ हो सकती है। पिछले कुछ समय से किसी कार्य के प्रति चल रही मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं। लाभ के नए मार्ग भी प्रसिद्ध होंगे। किसी नजदीकी रिश्तेदार के यहाँ धार्मिक आयोजन में जाने का अवसर भी प्राप्त होगा। काम से जुड़ी किसी भी बात में रिस्क ना लें। योजना के अनुसार काम करते रहें। समस्या को दूर करने के लिए धीरे धीरे प्रयत्न करते रहें। लोगों से मिल रहे सुझाव आपके लिए गलत साबित हो सकते हैं। किसी भी व्यक्ति पर तुरंत विश्वास करने की गलती ना करें। लोग आपको सलाह देते रहेंगे लेकिन किसी भी सलाह को स्वीकार करने से पहले अपने विचार ठीक से समझें। व्यवहार से जुड़े हुए लोगों को आर्थिक लाभ सीमित मात्रा में नजर आएगा लेकिन काम में स्थिरता मिलने से प्रसन्नता रहेगी। परिवार के लोगों में छुपाई गई बातों के कारण विवाद हो सकता है। नींद संबंधी दिक्कत बढ़ने की संभावना है। केवल उचित परिश्रम की आवश्यकता आज है। किसी शुभ चिंता का सहयोग आपके लिए उम्मीद लेकर आएगा। छात्र और युवा अपने भविष्य को लेकर अधिक सक्रिय और गंभीर रहेंगे। कोई भी निर्णय जल्दबाजी और भावनात्मक रूप से ना करें और वाहन या किसी महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को नुकसान हो सकता है। समय मिला जुला है। दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी। समान विचारधारा वाले लोगों से मुलाकात से ऊर्जा मिल सकती है। लक्ष्य प्राप्ति में भाई शामिल होंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। धैर्य और संयम से आप अपनी समस्या दूर करेंगे। सामाजिक कार्यों में योगदान दें। व्यापार में भाग्य और ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। समय शांतिपूर्ण और सकारात्मक रूप से समाप्त भी हो सकता है। आपका आत्मविश्वास ने उम्मीद जगाएगा। घर में उचित व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास सफल हो सकते हैं। धार्मिक आयोजन की योजना बनेगी। दूसरे मामलों में ज्यादा दखलंदाजी करने से बचें। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये विवाद का कारण हो सकता है। इस समय यात्रा करने से समय खराब हो सकता है। पारिवारिक और व्यवसायिक गतिविधियों के बीच समन्वय बना रहेगा। सावधानियां, कभी कभी अति आत्मविश्वास भी आपकी परेशानी का कारण बन सकती है।
आलस और सुस्ती हावी ना होने दी तथा अपनी योजनाओं को कार्य रूप देने के लिए भरपूर मेहनत करी। बच्चों का उचित मार्गदर्शन करना अति आवश्यक है। बात करते हैं लव लाइफ की। आपके लिए किसी भी संघर्ष से छुटकारा पाना चुटकी बजाने जितना आसान है। नए परिवेश में ढलने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं और अपने संबंधों को लेकर गंभीर हैं। अभी विवाह से जुड़ा कोई भी निर्णय लेने से बचें। अंतरंग पल आपके रिश्ते को फ्रेश और जीवित कर देंगे। आज आपके अभिलाषा प्यार की दो बातें सुनने और कुछ सुनाने की होगी। आप अपने साथी के साथ समय बिताना चाहेंगे, जैसे कोई फिल्म देखना, डिनर पर जाना या लॉन्ग ड्राइव। आपका रोमांटिक जीवन प्यार के फूलों में महक रहा है। बस भावनाओं पर नियंत्रण रखें, क्योंकि किसी भी चीज की अधिकता कष्टप्रद भी हो सकती है। आपको अपने पार्टनर के धीरज की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। वो आपकी कई बातों को लंबे समय से सहन करते आ रही हैं और आपको खुश करने की कोशिशों पर भी आपके ठंडे मिजाज के बावजूद आपसे अच्छा व्यवहार करते रही हैं। अगर आपको एक बार कुछ बुरा लग भी गया तो भी उन्हें माफ कर दें। वे खुद भी अपनी गलतियों से शर्मिंदा है और कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। बात करते हैं करियर की। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हैं, इसलिए आप इस उत्पादक अवधि का लाभ नहीं उठा पा रहे। आप अपने कार्यों की पूर्ति के लिए पहले से ही स्थापित कार्य योजना का पालन करें और आगे बढ़ते चलें। आगे बढ़ें, चाहे आपको कैसी भी परिस्थितियों का सामना करना पड़े। यह अपने काम को खत्म करने के लिए, नए तरीके अपनाने के लिए एक अच्छा समय नहीं है। कुछ आपातकालीन स्थितियां आपके घर पर उत्पन्न हो सकती है, जो कि एक भारी वित्तीय नुकसान का कारण बन सकती है। व्यापार में लाभ बढ़ाने, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए योजना बनाएं और बिक्री व खरीद के समय ध्यान रखें। अपने पार्टनर और करीबी साथी पर विश्वास रखें। आपका अनुभव, सकारात्मक रवैया और आत्मविश्वास आपको अच्छे परिणाम देंगे। कानूनी समझौते या ट्राई अप की भी संभावना है। अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखें। फिल्म देखने या हैंग आउट का निमंत्रण मिल सकता है। जीवन के इस चरण का मजा लें। याद रखें, अगर किसी कार्य की शुरुआत अच्छी होती है तो समझ जाएं आधी जंग आपने जीत ली। बात करती हैं सेहत की। आज के दिन आपके स्वास्थ्य और फिटनेस कार्यक्रम में बदलाव के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आप आज नई पारिवारिक एक्सरसाइज और दूसरे कार्यकलाप शुरू कर सकते हैं। आज आप में अपने स्वास्थ्य की विशेष देखभाल का जोश देखने को मिलेगा। हालांकि आपको यह भी समझना चाहिए कि आपका मानसिक स्वास्थ्य काफी हद तक शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा है और एक में दिक्कत होने पर दूसरा ठीक नहीं रह सकता। सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय। आज अब शंकर भगवान जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।